तो दोस्तों, मैंने करीब 3 महीने पहले Xiaomi Pad 5 के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था, जहां उस वीडियो पे मैंने अपना 6 महीने का यूजर एक्सपीरियंस और इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी शेयर किया था। बट इसके बावजूद भी काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ये टैबलेट 5G को सपोर्ट करता है या नहीं, हमें इसके अंदर कितने टाइम्स तक का अपडेट देखने को मिलेगा, 5 से 6 घंटे टैबलेट को इस्तेमाल करने के बाद हीटिंग इशू है क्या, मल्टीटास्किंग करते समय टैबलेट लैग करता है क्या, एंड एक और क्वेश्चन कि भाई 30,000 के प्राइस रेंज के अंदर इससे भी अच्छा कोई टैबलेट बताओ। जहां आज के इस वीडियो पे हम इन सभी क्वेश्चन को आंसर करने के साथ साथ 3 ऐसे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जिसको लेकर आप में से काफी सारे लोग डेफिनेटली क्यूरियस होंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है कि Xiaomi Pad 5 में Android 13 और MIUI 14 के अपडेट्स को लेकर क्या-क्या चेंजेस आया है। सेकंड पॉइंट कि क्या Xiaomi Pad 5 2023 में भी बाय करना वर्थ रहेगा, एंड थर्ड और लास्ट कि Xiaomi Pad 5 का सक्सेसर Xiaomi Pad 6 इंडिया में कब तक लॉन्च हो सकता है। जहां अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इन सभी चीजों की रिगार्डिंग, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर डिले, लेट्स मूव टू द वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ कि क्या हमें Xiaomi Pad 5 के अंदर 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलता है। तो इस चीज को आंसर करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि Xiaomi Pad 5 Qualcomm Snapdragon 860 चिपसेट के साथ आता है, जो कि एक 5G सपोर्टेड चिपसेट है। बट आपको Xiaomi Pad 5 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4G का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहां पर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के स्पेसिफिकेशन चार्ट में जाकर देख सकते हो, जहां पर यह टैबलेट इंडिया में 5G को सपोर्ट नहीं करता है। बट यही टैबलेट जो कि चाइनीज मार्केट में लॉन्च हुआ है, उसके अंदर आपको 5G सपोर्ट देखने को जाएगा। वहीं इस टैबलेट के रिगार्डिंग एक क्यूरियस ये भी थी कि क्या ये टैबलेट GPS को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, इस टैबलेट के अंदर आपको GPS सेंसर भी देखने को नहीं मिलेगा, जहां ये इंफॉर्मेशन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। जहां उम्मीद है कि अब आपको इस टैबलेट के 5G कनेक्टिविटी और GPS सपोर्ट के रिगार्डिंग चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि है इसके अपडेट्स के रिगार्डिंग कि हमें इस टैबलेट के अंदर और कितने टाइप का अपडेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, Xiaomi का ये टैबलेट आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 के साथ लॉन्च हुआ था, जहां कुछ मंथ पहले हमें इसके अंदर Android 12 का अपडेट देखने को मिला था, और फाइनली अब जाके आपको इसके अंदर Android 13 का अपडेट देखने को मिला है, जो कि मेरे ख्याल से Xiaomi Pad 5 के अंदर Android अपडेट को लेकर आखिरी अपडेट है। बट आपको इसके अंदर सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी वाइज एक दो अपडेट और भी देखने को मिल सकता है, जहां इन टोटल आपको Xiaomi Pad 5 के अंदर 3 Android अपडेट देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के तीसरे क्वेश्चन के बारे में कि क्या Xiaomi Pad 5 5 से 6 घंटे के रेगुलर इस्तेमाल के बाद हीट होता है क्या, और आपको इसके स्टाइलस के बारे में क्या कहना है। सो दोस्तों, मैंने Xiaomi Pad 5 को अराउंड 9 महीने से इस्तेमाल पे लिया है, जहां मैंने इस टैबलेट को डेली स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट रिसर्च, वीडियो को एडिट करना और थंबनेल बनाने जैसे काम पे लिया है, जहां मैंने इसे डेली बेसिस पर 6 से भी ज्यादा घंटों के लिए काम पे लिया है, और इस बीच मुझे इसके हीटिंग के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। जहां इस टैबलेट में वीडियो को एडिट करने के बाद उसे एक्सपोर्ट या रेंडर करते समय भी हीटिंग इशू नहीं आई है। बट मे बी हमें मई या जून के मंथ में थोड़ी बहुत हीटिंग देखने को मिले, क्योंकि उस मंथ में गर्मी पीक पे होती है। अदरवाइज ओवरऑल इस टैबलेट के अंदर हीटिंग को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम बात करें इसके स्टाइलस के बारे में, तो मैंने अभी तक इसका ऑफिशियल स्टाइलस बाय नहीं किया है, और ना ही मैं इसे आपको बाय करना रिकमेंड करूंगा, क्योंकि Xiaomi Pad 5 का ऑफिशियल स्टाइलस अपने प्राइस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कॉस्टली है, जहां पर आप इसके दूसरे अल्टरनेटिव को इसके आधे से भी कम प्राइस में बाय कर सकते हो, जहां आपको Xiaomi Pad 5 के बेस्ट कंपेटिबल स्टाइलस का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, जहां ये क्वेश्चन भी आप में से काफी सारे लोग हर वीडियो में पूछते हो कि क्या Xiaomi Pad 5 मल्टीटास्किंग करते में लैग करता है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि Xiaomi Pad 5 Snapdragon 860 प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि काफी हद तक पावरफुल प्रोसेसर है, जहां इस टैबलेट के अंदर आप वीडियो एडिटिंग, कंटेंट वाचिंग और हाई एंड गेमिंग लाइक BGMI और COD जैसे हाई ग्राफिक वाले गेम को भी अगर आप प्ले करते हो, तब भी आपको लैग और डिले देखने को ना के बराबर मिलता है, जहां Xiaomi का यह टैबलेट अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट प्रोसेसर को प्रोवाइड करता है। बट कभी कभी मल्टीटास्किंग के रिगार्डिंग आपको थोड़ी बहुत ग्लिच देखने को मिल सकती है, लाइक अगर आप टैबलेट को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल प्लेस करते हो, तब आपको थोड़ा सा माइनर डिले देखने को मिलेगा, और जब आप इस टैबलेट को किसी भी वाईफाई से कनेक्ट करते हो, तब भी आपको थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है, जो कि आई थिंक इसके सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ठीक किया जा सकता है। अदरवाइज एक दो ग्लिचेस को छोड़कर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। बात करें इस वीडियो के फिफ्थ और आखिरी क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप लोगों ने कई बार पूछा है, जो कि 30,000 के प्राइस रेंज के अंदर इससे भी अच्छा कोई टैबलेट बताओ। तो दोस्तों, अगर आपको बेस्ट डिस्प्ले, ऑपरेटिंग सिस्टम और अगर पावरफुल प्रोसेसर चाहिए, तो नो डाउट
Xiaomi Pad 5 अपने प्राइस के अकॉर्डिंग पूरी तरह से जस्टिफाइंग है। लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी Xiaomi Pad 5 को बाय नहीं करना चाहते तो आप Realme Pad X को भी कंसिडर कर सकते हो, जो कि Realme का ये टैबलेट आपको दो वेरियंट में देखने को मिलेगा, जहाँ आप इसके सिर्फ वाईफाई ओनली वेरियंट को 19999 और इसके LTE वेरियंट को 27999 के प्राइस पॉइंट पे बाय कर सकते हो, जो कि Realme का ये टैबलेट कई मामलों में Xiaomi Pad 5 से सिमिलर है। बट Realme Pad X के अंदर Xiaomi Pad 5 के कंपैरिजन में प्रोसेसिंग पावर थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आप एक Samsung के फैन हो तो आप Galaxy Tab S6 Lite को भी कंसिडर कर सकते हो, जहां इसका स्टाइलस टैबलेट के साथ ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको इन पांचों क्वेश्चन का एक सेटिस्फाइड आंसर मिल गया होगा। अब बात करते हैं तीन ऐसे पॉइंट के बारे में जो कि Xiaomi Pad 5 से रिलेटेड है, जिसमें से पहला पॉइंट है कि Xiaomi Pad 5 में Android 13 और MIUI 14 के अपडेट्स को लेकर क्या क्या चेंजेस आया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अपडेट आपको 3.1GB का देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड अपडेट को लेकर ये मे बी Xiaomi Pad 5 के अंदर आखिरी अपडेट हो, जहां इस अपडेट के थ्रू आप इसके वर्चुअल रैम को 2GB से 5GB तक एक्सटेंड कर सकते हो, जहां इसके सेटिंग्स और नोटिफिकेशन बार में भी काफी सारी छोटी छोटी चेंजेस की गई है, जहां इस अपडेट में Xiaomi Pad 5 के अंदर काफी सारी स्टॉक वॉलपेपर भी ऐड की गई है, जिसे यूज कर आप टैबलेट को और भी कूल लुक दे सकते हो। वहीं इस अपडेट के पहले जब आप टैबलेट को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली शिफ्ट करते थे तब आपको माइनर सा लैग देखने को मिलता था, वहीं इस अपडेट के थ्रू ये ग्लिच काफी हद तक ठीक हो गई है, जहां आपका टैब यूजिंग एक्सपीरियंस थोड़ा और इनहेंस देखने को मिलेगा। और अगर आप इसके अपडेट्स के रिगार्डिंग डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो आपको YouTube पे काफी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। बात करें इस वीडियो के दूसरे पॉइंट के बारे में कि क्या Xiaomi Pad 5 2023 में भी बाय करना वर्थ रहेगा, तो इसके रिगार्डिंग आंसर ये है कि अगर आपका बजट अंडर 30,000 है और एंड्रॉइड मार्केट के अंदर 30,000 के प्राइसेंस के अंदर आप एक बेस्ट टैबलेट ढूंढ रहे हो तो नो डाउट Xiaomi Pad 5 अभी भी बाय करना वर्थ रहेगा, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में और किसी भी कंपनी ने कोई नया टैब अनाउंस नहीं किया है, जहां Xiaomi Pad 5 का सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर 2023 के अकॉर्डिंग अभी भी बाय करना वर्थ रहेगा, जहां Xiaomi में भी आने वाले समय में इसके अंदर सिक्योरिटी अपडेट को प्रोवाइड करे, क्योंकि अभी भी इस टैब का डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा है। और अगर आप इसके प्राइस ड्रॉप होने का वेट करते हो तो आपको शायद और भी वेट करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि Xiaomi आने वाले 6 महीने में इसके प्राइस को ड्रॉप करेगा, और उस समय तक Xiaomi Pad 5 थोड़ा सा आउटडेटेड हो सकता है। बात करें इस वीडियो के थर्ड और आखिरी पॉइंट के बारे में कि Xiaomi Pad 5 का सक्सेसर Xiaomi Pad 6 इंडिया में कब तक लॉन्च हो सकता है। सो दोस्तों Xiaomi Pad 6 चाइना में कल ही लॉन्च कर दिया गया था, जो कि ये टैबलेट 3 कलर ऑप्शन और कीबोर्ड एंड स्टाइलस के साथ लॉन्च हुआ है, जहां आपको इसके अंदर मैसिव डिस्प्ले के साथ बैक में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। वहीं Xiaomi Pad 6 के अंदर आपको 8600mAh की बैटरी कैपेसिटी भी देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में तो Xiaomi Pad 6 आपको यूनिबॉडी मेटल डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा, जो कि ये एक 11 इंचेस का 2.8K IPS LCD डिस्प्ले होने वाला है, जो कि आपको 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 60:10 बॉडी रेशियो के साथ देखने को मिलेगा। बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में तो इसके अंदर आपको Snapdragon का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में तो आपको इसका बेस वेरिएंट जो कि 6+128GB के साथ आता है वो 23,000 और इसका टॉप वेरिएंट जो कि 8+256GB के साथ आता है वो आपको 28,000 के चाइनीज प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसके इंडियन लॉन्च के बारे में तो इसके रिगार्डिंग अभी डेट्स कंफर्म नहीं है। और अगर आप Xiaomi Pad 6 को लेकर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको Xiaomi Pad 5 को लेकर जितने भी क्यूरीज थी वो क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह के और वीडियोज देखने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।